यूपी के प्रयागराज जिले के गंगापार क्षेत्र में हुई एक लड़की की शादी को देखकर ग्रामीण खासे उत्साहित दिखे। दूल्हे की एंट्री ने भी सभी ग्रामीणों को हैरान कर दिया। इतना ही नहीं, दुल्हन की चौखट पर जैसे ही बाराती पहुंचे तो उन पर फूलों की बारिश की गई। आपको बता दें, होलागढ़ के सांगीपुर पंडित का पूरा गाँव में एक बारात आई थी। सबसे खास बात यह कि पहली बार इस गांव में हेलीकॉप्टर से कोई दुल्हा पहुंचा था। हेलीकॉप्टर देख ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। हेलीकॉप्टर रात भर दुल्हन के घर के बाहर खड़ा रहा। सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ को हेलीपैड से दूर रखा। कुलदेवी मां काली के मंदिर पर पुष्प वर्षा के साथ बारातियों का स्वागत किया गया। हेलीकॉप्टर से बारात पहुंची तो आकर्षण का केंद्र बन गई। विकास खंड होलागढ़ के सांगीपुर पंडित का पूरा गांव निवासी पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य राजेश दुबे की पुत्री की शादी में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। पहले कुलदेवी मां काली के मंदिर पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करते हुए बारातियों के ऊपर फूलों की बारिश कर स्वागत किया गया। बाराती ग्रामीणों के स्वागत से अभिभूत हो गए। शनिवार को राजेश दुबे की पुत्री की विदाई भी हेलीकॉप्टर से हुई। रात भर हेलीकॉप्टर राजेश दुबे के आवास पर खड़ा रहेगा। गांव में हेलीकॉप्टर देखकर ग्रामीण खुश नजर आए। बारात में आए लोगों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र हेलीकॉप्टर भी रहा। होलागढ़ क्षेत्र में पहली किसी दुल्हन की विदाई हेलीकॉप्टर से हो रही है, जिसको लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया। हेलीपैड के पास स्वास्थ्य विभाग के साथ सुरक्षा कर्मी मुस्तैद रहे। फायर ब्रिगेड के साथ अन्य विभाग के लोग ड्यूटी पर तैनात रहे। पोती हेलीकॉप्टर से विदा हुआ, आज आपका सपना पूरा हो रहा है, किस तरह से दादा ने सपना देखा था, क्या कहेंगी इस बारे में? सही, दादा का भी सपना था, मैं माता जी का भी याद है, जो कुछ भी हो रहा है हमारी माँ की कृपा से हो रहा है। जी, दादा का क्या सपना था आपका? हेलीकॉप्टर से बाहर आता है, जो आज पूरा हो रहा है। ठीक, डोली में जाती है लेकिन आपकी दुल्हन हेलीकॉप्टर से जा रही है, विदा हो रही है, पहला मौका, कैसे क्या कहेंगे इस बारे? एक खुशी का मौका है, यही कह सकते हैं, और हमारे तरफ ये पहली बार हो रहा है। क्या शुभ नाम है सर? आयुष। क्या करते हैं? पहली बार कोई दुल्हन विदा हो रही है हेलीकॉप्टर, कितना अच्छा लग रहा है और क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले हम बता दें कि जिसकी शादी है वो हमारी भतीजी है, उनका नाम स्वाति है। तो हम लोगों ने कुछ यूनिक कर शादी में यूनिक करने के लिए सोचा है, तो ऐसा हुआ कि हेलीकॉप्टर बुलाने के लिए, तो और हमारे यहाँ जितना था उसमें पुलिस प्रशासन और सब कुछ बहुत अच्छे से देखभाल किया, और गांव के लोगों ने भी बहुत अच्छा मदद किया। क्या किसका सपना था ये हेलीकॉप्टर से उड़ना? ये हमारे दादाजी का था। तो किस तरह पूरा कर रहे हैं? तो अब उन्हीं का आशीर्वाद, भोले बाबा और काली माता की कृपा से, उन्हीं की कृपा से हुआ। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम विनय द्विवेदी है।